हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल। सो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। आज मैं शूट करने जा रही हूँ आपके लिए ट्रैवल व्लॉग, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम देहरादून, विच इज़ माई होम टाउन, टू बैंगलोर वेयर आई वर्क। एंड मैंने सोचा आप सबके लिए एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ। जब से लॉकडाउन है तब से मैं अपने होम टाउन आ गई हूँ एंड I am going back to Bangalore after 3 months. So guys, look what's cooking in the kitchen. I mean, ये मेरी favorite dish है and आज मम्मी ने मेरे लिए ये बनाया है। Bye Tofu. So ये है मेरा dog and इसको जाने से पहले मैं bye बोल रही हूँ। Everything is packed up guys and गाड़ी में सामान रख रही हूँ। हम लोग निकलने वाले हैं 15 to 20 minutes में and मुझे छोड़ने मेरा भाई और मम्मी आ रहे हैं। So he is my brother and ये सामान रख रहे हैं गाड़ी में। सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, काफ़ी पहले निकल चुके हैं, 3 hours पहले। मेरे घर से एयरपोर्ट का रास्ता ऑलमोस्ट 1 hour का है। ऑल्सो आई एम फीलिंग वेरी सैड गाइज, बिकॉज मैं 3 महीने बाद वापस जा रही हूँ एंड बहुत याद आएगी घर की, बट जाना पड़ेगा, जल्दी वापस आऊंगी। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं, द व्यू इज जस्ट टू ऑसम एंड हल्की हल्की बारिश हो रही है। आई जस्ट लव दिस टाइप ऑफ वेदर। अब हम एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ से सिर्फ 10 to 15 minutes ही लगेंगे। सो गाइस, एयरपोर्ट पहुंचने से जस्ट पहले हम रुक चुके हैं कैफे में। बाहर मौसम इतना अच्छा था कि हमने सोचा कि गर्मा गर्म चाय पी ली जाए। गाइस, स्नैक्स आ चुके हैं, उसके साथ चाय भी आ चुकी है। स्नैक्स में हमने लिया है सैंडविच और एक मैगी। हम लोग कैफे से निकल चुके हैं एंड एयरपोर्ट बस पहुंच ही गए। एयरपोर्ट आ चुका है, सो ये है देहरादून का एयरपोर्ट। अब हम लोग पार्किंग में जाके सामान निकालते हैं। मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ, बैग चेक इन कर लिया है एंड बोर्डिंग पास भी ले लिया। सो मुझे मिला है ये PPT किट और ये सेफ्टी किट। मेरी मिडिल सीट है सो मुझे ये पहनना पड़ेगा। सो लेट्स वेयर इट। सो गाइस, मैंने ये सेफ्टी किट और PPT किट पहन ली है। अब टाइम है बोर्डिंग का जो कि 1/2 hour में हो जाएगी। सब वेट कर रहे हैं। एक्चुअली 2-3 flights साथ में थी सो काफ़ी हॉच पॉच हो गया था। सो फाइनली मेरी फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम हो चुका है। सब लोगों ने बोर्डिंग गेट पे लाइन बना ली है। सो गाइस, मेरी इंडिगो की फ्लाइट है आज एंड इंडिगो की बस में बैठ चुकी हूँ। अब जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ।
फ्लाइट में पहुंच चुकी हूँ, अब चलते हैं अंदर। आई थिंक फ्लाइट फुल है आज। मेरी सीट 20 है, सो मुझे बैक साइड से जाना उपयोग करें। Ladies and gentlemen, please keep your bags under the seat in front of you and avoid using the overhead system and minimize contactless services. Rows 1, 12 and 13 are exit rows and therefore required to be kept clear. Passengers seated on these seats are requested to throw their bags in the overhead bin. अपना सामान सामने वाली सीट के नीचे ही रखें। केवल यात्री जो आपातकालीन रो 1, 12 और 13 में बैठे हैं, in front of you and avoid using the overhead bin to minimize contactless services. Rows 1, 12 and 13. Wow guys, look at the view. This is so beautiful. This is my favorite part. तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बैंगलोर और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो रही है एज कम्पेयर टू देहरादून। सो गाइज आई हैड माई कॉफ़ी एंड मैंने अपनी ओला भी बुक करा ली है, अभी मैं वहीं जा रही हूँ ओला स्टैंड में।